सो फ्रेंड, अगर आप भी वीवो का डिवाइस यूज़ करते हैं तो आप लोग को पता होगा कि वीवो के डिवाइस में आप लोग को फॉन्ट स्टाइल का ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलता है, और जो फॉन्ट हम लोग को पसंद आते हैं, जो ऑप्शन हम लोग को मिलता है, वो सारे के सारे पेड होते हैं, सबको हम लोग को परचेस करना पड़ता है। जैसा कि मैं आप लोग को दिखा देना चाहता हूँ, ये फॉन्ट मुझे काफ़ी पसंद आया है और इसके लिए मुझे 120 रुपीज़ चार्ज करने को कहा जा रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर आप लोग को परचेस नाउ का ऑप्शन मिल रहा है। दूसरा अगर मैं फॉन्ट दिखाऊँ आप लोग को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग को 30 रुपीज़ चार्ज किया जा रहा है और यहाँ पर भी परचेस नाउ का ऑप्शन आ रहा है। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं, जो भी फॉन्ट आपको पसंद आते हैं सारे के सारे यहां पर पेड हैं। किसी में आप लोग को 120 पे करना पड़ रहा है, किसी में 60, किसी में 30। तो यहां पर आप देख सकते हैं, आपको जो भी ऑप्शन जो पसंद आते हैं, जो अच्छे हैं, सारे के सारे पेड हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को यही बताने वाला हूं कि अगर आप वीवो का डिवाइस यूज करते हैं तो आप फ्री में फॉन्ट स्टाइल कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने डिवाइस में, और आपको एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप भी वीवो का डिवाइस यूज करते हैं तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को। सो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक, आप देख रहे हैं शर्मा जी ब्रदर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो फ्रेंड, अपने डिवाइस के फॉन्ट स्टाइल को चेंज करने के लिए आप लोगों को जरूरत पड़ेगी एक एप्लीकेशन की। तो आप प्ले स्टोर पर जाके जेड फॉन्ट के नाम से उसे सर्च कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से भी जाकर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि आप अपने डिवाइस के फॉन्ट स्टाइल को कैसे चेंज कर सकते हैं। उससे पहले आप देख लीजिए, जो डिफॉल्ट हम लोग को मिलता है फॉन्ट स्टाइल, वो कुछ इस तरीके से मिलता है, जैसा कि आप मेरे डिवाइस में देख सकते हैं। इसी को हम लोगों को चेंज करना है, तो आप लोग को जरूरत पड़ेगी अपने एप्लीकेशन की। तो हम चले जाते हैं अपने एप्लीकेशन की तरफ, तो मैं आप लोग को ले चलता हूं। तो मैंने इसे पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं जेड फॉन्ट के नाम से। तो आप लोग को इसे टैप करके यहां से ओपन कर लेना है। जैसे ही आप यहां पर इसे ओपन करेंगे तो आप लोग को बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं, आप लोग को बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो आपको जो भी यहां पर फॉन्ट पसंद आता है, आप बड़ी आसानी से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने रैंडमली यहां से ये स्नेक वाले फॉन्ट को यहां से डाउनलोड कर लेता हूं। तो यहां पर आप लोग को ऐड आएंगे तो आप लोग को सिंपली बैक कर देना है, और यहां पर हम लोग को डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है नीचे की तरफ। तो आप इसे टैप कर दीजिएगा, और टैप करने के बाद ये डाउनलोड हो जाता है। आप यहाँ से फिर से बैक आ जाइए और मैं आप लोग को ऊपर में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने इसे डाउनलोड कर लिया है, और ऐसे ही बहुत सारे मैंने फॉन्ट डाउनलोड करके रखे हुए हैं। तो आप लोग को सिंपली करना ये है कि आप लोग को आ जाना है बैक। बैक आने के बाद यहाँ पर आप ऊपर में देख सकते हैं, आप लोग को लोकल करके एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप लोग को इसे टैप करना है, और आप जितने भी यहाँ पर फॉन्ट जो डाउनलोड करके रखेंगे वो सारे फॉन्ट आप लोग को यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, टोटल मैंने 13 फॉन्ट यहाँ पर डाउनलोड करके रखे हुए हैं। तो ये सारे डाउनलोड आप लोग को मिल जाएंगे। तो उसके बाद आप लोग को होम पे आ जाना है, रिसेंट को कर देना है क्लियर, उसके बाद इंटरनेट को कर देना है ऑफ, ताकि आप लोग को और ऐड देखने को ना मिले। एक बार आपने डाउनलोड कर लिया, उसके बाद आप अपना इंटरनेट बंद कर लीजिए। उसके बाद फिर से जाइए अपने फॉन्ट पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनेट बंद है तो कोई भी ऐड नहीं आ रहा है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर राइट साइड में आ जाना है लोकल पर, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। लोकल में आने के बाद आपने जितने भी जो फॉन्ट है डाउनलोड किए हैं वो सारे के सारे आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही फॉन्ट दिखाया था, मैं आप लोग को एक बार फिर से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा फॉन्ट है बिल्कुल नॉर्मल है, जो हम लोग को मिलता है अपने डिवाइस पर, और इसे हम लोग चेंज करने वाले हैं। तो हम आ जाते हैं वापस जेड फॉन्ट पर, और यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं स्पीड। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये स्पीड लिखा हुआ है। इस फॉन्ट को यहाँ पर मैं टैप करता हूँ, नीचे यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है सेट का, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर मैं इसे टैप करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो क्योंकि ये जो डिवाइस हमारा वीवो का है, तो आपको वीवो फनटच ओएस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से मैं इसे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर आप लोगों को तीन ऑप्शन मिलेंगे, कैंसल, ओल्ड और यहाँ पर न्यू का। तो आपको न्यू पे टैप करना है। न्यू पे टैप करते ही यहाँ पर चेंज फॉन्ट का आप लोग को ऑप्शन मिल जाएगा, इसे आप लोग को टैप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकल फॉन्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे टैप कर लेना है, और नीचे की तरफ आना है आप लोगों को, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टम फॉन्ट का आप लोग को एक ऑप्शन मिल जाएगा, इसे यहाँ से टैप कीजिए, और नीचे में यहाँ पर अप्लाई लिखा हुआ है, इसे अप्लाई कर दीजिए। तो जैसे ही अप्लाई होता है, आप रिसेंट यहां से क्लियर कर दीजिए। उसके बाद फिर से मैं आप लोग को दिखा देता हूं फॉन्ट। तो यहां पर आप देख सकते हैं, हमने फॉन्ट को इंस्टॉल कर लिया है, और ये काफी अच्छे तरीके से इंस्टॉल हो गया है। और यहां पर आप देख सकते हैं, सारे के सारे फॉन्ट जो है वो चेंज हो गए हैं, जैसा कि मैंने आप लोग को नॉर्मली पहले दिखाया था, जो हम लोग को डिफॉल्ट फॉन्ट मिलता है, और यहां पर जो हमने फॉन्ट डाउनलोड किया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये सारी की सारी यहां पर चेंज हो गई है। फिर से मैं आप लोग को एक बार और चेंज करके दिखा देता हूं। तो इसे हम लोग कर लेते हैं रिसेंट को क्लियर, हम लोग फिर आ जाते हैं अपने फॉन्ट पे, ये देखिए जेड फॉन्ट पे हम लोग आ जाते हैं लोकल पर। लोकल पर आने के बाद मेरा जो फेवरेट फॉन्ट है वो है रोजमेरी, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये देखिए। तो यहाँ से मैं इसे टैप कर लेता हूँ। टैप करने के बाद नीचे सेम प्रोसेस रहेगा, सेट पे जाना है, यहाँ से वीवो फनटच ओएस को सेलेक्ट करना है, न्यू को सेलेक्ट करना है, चेंज फॉन्ट को सेलेक्ट करना है, लोकल फॉन्ट पे आप लोग को जाना है, उसके बाद नीचे आना है, और ये कस्टम फॉन्ट को आप लोग को फिर से क्लिक कर देना है, और उसके बाद आप लोग को अप्लाई कर देना है।
तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, आप रिसेंट को क्लियर कर देंगे, उसके बाद फिर से मैं आप लोग को सेटिंग की तरफ ले जाकर फॉन्ट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा कम्प्लीटली फॉन्ट जो है वो चेंज हो चुका है। तो इसी तरह से आप बहुत सारे फॉन्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं, और आप लोग को कोई भी फॉन्ट के लिए कोई भी पैसे नहीं देने हैं। यहाँ पर जितने भी फॉन्ट आप लोग को मिलेंगे आपके जेड फॉन्ट पे, सारे के सारे बिल्कुल फ्री हैं। आप लोग को सिंपली उसको डाउनलोड करना है और कुछ इस तरीके से अप्लाई कर देना है। यहाँ पर आप लोग को एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर आप लोग को बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, आप लोग को ये ट्रिक पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये ट्रिक पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोग के लिए नए नए वीडियोज लेकर आते रहता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।